वहाँ डेट फिक्स करनी है, लाइक शादी की डेट फिक्स करनी है। मामा जी कहाँ जा रहे हैं वैसे अभी हम? चक्कर लगाने चले। मैंने बता दिया। एक्साइटेड हो आप? खुश हो इस चीज के लिए? क्या लगता है कब की डेट निकलेगी? जल्दी निकलनी चाहिए, लेट जल्दी होने चाहिए, समझ रहे खुशी? हाँ डेट फिक्स हो चुकी है सितंबर में। मैंने कहा तू बड़ा खुश है। आरसी भाई आप क्यों इतना खुश हो? मैं भी खुश हूं। आपकी फेस क्यों छुपा रहा है फिर? आपने आरसी भाई की खुशी तो देख ली वीडियो कॉल में। ये शादी, ये ना शादी से पहले की खुशी होती है। शादी से पहले का इंसान इतना एक्साइटेड होता है कि मुझे नहीं पता भाई, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि शादी से पहले इंसान एक्साइटेड होता है कि नहीं होता है, फिर इंसान शादी के बाद क्यों दुखी हो जाता है वो भी बताना भाई। कांग्रेचुलेशन अर्शित भाई को करना और हमारी भाभी जान को करना, कमेंट जरूर कर देना नीचे, ठीक है ना। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल आर्म ब्लॉगर। तो दोस्तों कल ही हम नील से वापस आ गए थे तो मैंने ब्लॉग वगैरह बनाया नहीं, रामन की बारिश से ब्लॉग हो रहा है स्टार्ट। और आज इस ब्लॉग में आपको बहुत ही ज्यादा खुशखबरी वाली बात आने वाली, क्योंकि देखो मैं बहुत टाइम से ना कुछ ब्लॉग्स में हिंट देता था कि यार मतलब हमारे भाई की शादी, तो आज शादी नहीं है। आज ये है कि अभी हमको जाना जी मार्केट, मेरे को जाना है और मम्मा जी को जाना है और डैडी जी को जाना है। हमें कुछ सामान वगैरह लेना, किसके लिए लेना है अब समझो, किसके लिए ना, अर्शित भाई की जो है ना, जो उनकी होने वाली, समझ रहे हो, मतलब अभी हुई नहीं, मतलब होने वाली, उनके लिए कुछ सामान वगैरह लेना है क्योंकि ईद पर उनको अभी कुछ दिया नहीं था हमने। तो ईद का मतलब एक तोहफा होता है कि क्या होता है, जो भी होता है वो कल देने जाना है, मतलब कल देने जाना है। आज क्या करना है, आज हमें शॉपिंग करनी उनके लिए, ठीक है। भाभी जी न्यू, जो हमारी भाभी सेकेंड वाली भाभी आने वाली, उनके लिए हमको शॉपिंग वगैरह करनी है। कल जाना है हमको उनके वहाँ, और वहाँ जी क्या करना है पता है, वहाँ पर क्या करना है, वहाँ डेट फिक्स करनी है, लाइक शादी की डेट फिक्स करनी आशीष भाई की। तो भाई आगे आपको भाई की शादी के ब्लॉग्स आने वाले, तो अब समझ रहे हो कि किस लेवल के ब्लॉग आने वाले भाई। नेक्स्ट लेवल खुश हूँ भाई, मेरी को लगता है मेरी लाइफ में सबसे बेस्ट दिन यही होगा कि मैं अपने भाई की शादी में ब्लॉग बनाऊँ और सबको दिखाऊँ, मतलब आप लोगों को भी दिखाऊँ, अपनी यूट्यूब फैमिली को भी दिखाऊँ। क्योंकि बड़े भाई की जब शादी थी तब तो मैं आपको दिखा नहीं पाई क्योंकि तब मैं ब्लॉगिंग करता ही नहीं था। तो अभी हम बिना देरी के बातें किए सीधा चलते बाजार, और ये है मेरा छाता और मौसम खराब है और अभी हमारे पास गाड़ी भी नहीं, ठीक है ना। गाड़ी इसलिए नहीं क्योंकि जाफर भाई गया जम्मू, उसकी वजह से हमारे पास गाड़ी नहीं है, तो हमें पैदल ही जाना पड़ेगा बाजार। तो समझ रहे हो कि किस लेवल के व्लॉग्स आने वाले, शादी के व्लॉग्स भाई, वो भी अपने भाई की शादी के व्लॉग्स में डालूंगा और कितना एक्साइटेड होगा मैं, समझ रहे हो। वहाँ से शॉपिंग वगैरह करते भाभी के लिए, जो जो लाएंगे मैं आपको दिखाऊंगा एंड मजा आने वाला है व्लॉग में। अभी तो मैंने मम्मा और डैडी दिखाया नहीं आपको, वो आगे चले गए, मैं आपको दिखाता हूँ मम्मा और डैडी कहाँ पर है, ठीक है। और ये रही जी हमारी मम्मा जी। हे मम्मा, मामा जी कहाँ जा रहे हो वैसे अभी हम? बाजार। क्या करने जा रहे हैं? चक्कर लगाने चले। मैंने बता दिया। हाँ किस लिए जा रहे हो बाजार? चक्कर लगाने तो जा रहे हैं, लेकिन करने क्या जा रहे हैं, मकसद क्या, मतलब बता दे। मतलब मामा नहीं बताएगी, मामा का मतलब यही है कि हम जा रहे जी मार्केट और कुछ शॉपिंग करने अपनी न्यू वाली भाभी के लिए, उनको मतलब ईद पे तोहफा वगैरह देना ना, तो वो चीज़ें देनी है। हाँ मम्मी आप एक्साइटेड हो, आप खुश हो इस चीज़ के लिए? क्या क्या लेना है वैसे? क्या क्या लेना है कुछ पता? अभी दिखाएंगे ना आपको क्या क्या लेंगे, क्या क्या चीज़ जो लेंगे ना। और अभी बारिश में चल रहे हैं भाई हम, मैं वो है जी डैडी और ये मम्मा साथ में। तो मम्मी जी क्या लगता है कब की डेट निकलेगी? जल्दी निकलनी चाहिए, लेट जल्दी होने चाहिए, क्यों आप एक्साइटेड हो नई वाली भाभी के लिए? मतलब मम्मा जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कि न्यू वाली भाभी जो सेकेंड वाली हमारी भाभी आएगी उसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, तो समझ रहे हो खुशी। डैडी तो दौड़ लगा के जा रहे कि जल्दी जल्दी कपड़े लेंगे भाभी के लिए, जो भी शॉपिंग करेंगे। पर मम्मा जी तो अलग ही लेवल का खुश है। तो मैं भी खुश हूँ भाई, सारे ही खुश है, बस देखते डेट वगैरह कब निकलेगी, क्या होगा, जो भी होगा आपको हम व्लॉग में अपनी अपडेट देते रहेंगे। अभी जी ATM आ चुका है यहाँ पर जी, मणि निकालना मणि। तो जी किस वाले में निकालू मैं? इस वाले में निकालते चलो जी। आ जा काम करो जल्दी दे भाई, लेट हो गया जाने। अभी जी आ चुके हैं हम कॉम्प्लेक्स में, यहीं से शॉपिंग करनी है, यहीं से कुछ लेना है। रहा जी कॉम्प्लेक्स, वैसे आया हूँ मैं पहले भी, देखते जरा क्या मिलता है यहाँ से। वाह रे वाह, मुझे क्या पूछ रही, मुझे क्या पता, मम्मी पूछ रही मुझे क्या लेना, मुझे क्या पता क्या पसंद है उनकी होगी। ये भी अच्छा है, ये भी ठीक है, वो ये सबसे सही चीज है उस लड़की के लिए, जिसको भी आप दोगे गिफ्ट माशाल्लाह वो भी याद रखेगी हमारे सास ससुर मालिक कितनी अच्छी चीजें लेते हैं।
अभी जी हमने यहाँ से कुछ ले लिया, वो मैं आपको कल ही दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखाऊंगा क्योंकि सब कुछ अभी नहीं दिखाऊंगा। कौन सा वाला सिलेक्ट किया हमने? कैसा लगा? मैं अच्छा लगा। अच्छा तो ये जी मम्मा जी और मैं, और सिलेक्ट तो करते अभी वहाँ पर हिसाब वगैरह करे डैडी जी। जो लिया है वो आपको अभी नहीं दिखाऊंगा मैं, वो आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है ना। अभी जी ये वाला सूट कर दिया है हमने पैक, और इसमें क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा आगे जाके, ठीक है ना भाई। सूट तो ले लिया है, अब लेनी है जी चप्पल। चप्पल के लिए जा रहे जी हम इस साइड। यहाँ पर टॉय देख रहे हो भाई, क्या टाइम था जब हम यहाँ से टॉय लेते थे नहीं? ये खिलौने याद है? खिलौने याद है किसके लिए? मेरे लिए। बाहर दुकान ही बंद है यहाँ पर, अब दूसरी दुकान में देखते हैं, यहाँ से लानी थी इस शॉप से, लेकिन दुकान बंद है भाई। इस टाइम की खुशी जो दो बंदों की है ना, क्या बताऊँ मैं भाई। दो बंदे कौन कौन है वो कमेंट सेक्शन में आप खुद देख लो कि कौन दो बंदे होंगे जिनकी अलग ही लेवल की खुशी होगी इस टाइम, समझ रहे हो? हाँ मम्मी, इस टाइम दो बंदों की खुशी कितनी खतरनाक वाली होगी क्या लगता है तुझे कितनी खुशी होगी जो दो बंदों की खुशी है? समझ गए कौन दो है वो? अगर आपको समझ आ गई तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि उनकी जो खुशी इस टाइम जो है ना, हाय 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 क्या ही बोले भाई। Here is the shop, इधर से लेते पांच ही, पांच ही दे दो, सिर्फ पांच नंबर है पैरों के उनके, देखिए मम्मी के जितने मेरे छह है, मम्मी के पांच है और उनके पांच, देखते कौन सी वाली चूज करनी है उसे। पांच है तो भाई दुल्हन वाली चप्पल है, ये लगे ज्यादा है। चल इसकी शादी हो गई है, खुश होगा। मैंने कहा तू बड़ा खुश है। नहीं मेरी, अरे नहीं मेरी काम है तो अभी भैया जी बोले मेरी, मैंने कहा नहीं। अर्षी भाई आप क्यों इतना खुश हो? मैं भी खुश हूँ। आपकी फेस क्यों छुपा रहा है फिर? वाह रे वाह, गुड नाइट। और तुम बताना भाई तुम्हें कौन सी वाली चप्पल अच्छी लगती है इनमें से, ठीक है गर्ल्स खासकर, ठीक है कौन सी वाली पसंद है मैं उनके लिए ले लूंगा वाली। इधर तो ऑप्शन है बहुत सारे। वैसे आपने आरसी भाई की खुशी तो देख ली वीडियो कॉल में, ये शादी, ये ना शादी से पहले की खुशी होती है, अलग ही लेवल की खुशी थी हमारे आरसी भाई की। और शर्मा कितना रहा था कि अपनी शक्ल छुपा रहा था, देख रहे हो। वैसे शादी से पहले के इंसान इतना एक्साइटेड होता है कि मुझे नहीं पता भाई, आप कमेंट सेक्शन में बताना कि शादी से पहले इंसान एक्साइटेड होता है कि नहीं होता है, क्योंकि हमें तो नहीं पता भाई एक्सपीरियंस कैसा है क्या है अर्षी भाई की। उससे तो मुझे लग रहा है कि हाँ इंसान एक्साइटेड होता है, फिर इंसान शादी के बाद क्यों दुखी हो जाता है वो भी बताना भाई, मुझे जरूर बताना। वहाँ से हमने वो चप्पल वगैरह भी ले ली, और अब मम्मा यहाँ से किचन के लिए सामान ले ली, यहाँ से डब्बे ले ली छोटे छोटे डब्बे, और यहाँ से पेस्ट्री वगैरह भी उठाई मम्मा ने, और मैंने अपने लिए थोड़ी सी पेस्ट्री वगैरह ले जी। अभी हमने यहाँ से डॉक्टर लिया भाई, ठीक है भैया जी हमारे व्लॉग्स देख रहे हो अभी, देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया था भाई ने, अब जाके क्या सब्सक्राइब। ओके मैंने इस फोन में किया था, इस वाले में किया था लेकिन अपने वाले में गया, ठीक है ओके थैंक यू भाई। तो जी अभी हमने अपने लिए यहाँ से चार्जर वगैरह भी ले लिया, लीड वगैरह मेरे को कट गई थी वो भी हो चुकी है, और शॉपिंग भी हो चुकी है, खाना पीना भी हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब निकलते हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ। हाँ से जी जलेबी उठाते मुँह मीठा करने के लिए, जलेबी ले दो थी। यहाँ से जी पकौड़े प्लस जलेबी भी ले ली हमने, और निकलते हैं घर की तरफ, ठीक है लेट्स गो। अभी भी बारिश पड़ रही है लेकिन हल्की हल्की, देख लो। अभी जी हमारी शॉपिंग वगैरह सब कुछ हो चुकी है, खाने पीने के लिए भी सब कुछ ला लिया है। अभी हम जा रहे हैं घर, और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही भाई, घर वाले वहाँ पर है और मैं आगे आगे चल रहा हूँ। जो जो हमने चीज़ें लाई ना अपनी भाभी के लिए, न्यू भाभी के लिए, वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, क्यों? क्योंकि मैं दिखाऊंगा आपको जब हम वहाँ जाएंगे, उनको वो चीज़ देंगे ना, तब वहाँ पर आपको वो चीज़ दिखाऊंगा, अभी नहीं दिखा सकता, ठीक है ना। तो अभी इतना ही रखते हैं, ठीक है ना, मिलते आपसे कल जब हम जाएंगे, डेट फिक्स के लिए जाएंगे कल उनके घर, तब मिलता हूँ, ठीक है अभी के लिए इतना ही रखते, बाय बाय। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज है जी दूसरा दिन, तो आज का आपको प्लान क्या है पता ही होगा, आज हमको कहाँ जाना है। तो उससे पहले हमको क्या करना है, पहले ना अपनी थोड़ी सी सेटिंग करनी, बालों की भी और थोड़ी दाढ़ी की भी सेटिंग करनी, तो इसके लिए मैं अभी जा रहा हूँ मार्केट। बाल थोड़े से ज़्यादा बढ़ गए, उनको थोड़ा थोड़ा छोटा करूंगा, और दाढ़ी भी थोड़ी सी बढ़ गई है, इसको भी थोड़ा कटाना है, एंड हैंडसम बन के जाना है, थोड़ा सा अच्छा बन के जाना है, हैंडसम नहीं होता अच्छा बन के जाना है, ठीक है ना। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है आज के लिए हम, बहुत ही ज़्यादा, मैं तो बहुत हूँ भाई। भाई यहाँ घर के सामने इतना ज़्यादा दरिया आ गया, मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, मेरे को यहाँ से मैंने देखा भी तो मैंने सोचा चलो पहले वहाँ होके आते हैं, ठीक है ना। भाई लोग भाई लोग भाई लोग देख रहे हो भाई, कहाँ पानी चला है भाई, यहाँ से चलने के लिए यहाँ से फुल पानी आ गया भाई, और इधर तक पहुँच गया भाई, अगर यहाँ से यहाँ की तरह चला गया ना, समझो हमारी घर की तरह चला जाएगा भाई। मैं आगे जाता लेकिन आगे रिस्क क्या पता है, आगे जा नहीं सकता, और हवा देखो कितनी चल रही है भाई साहब, भाई भाई भाई
मुझे लगता है ये भी पता नहीं किस टाइम कहाँ पर टूट जाएगा, तो बस लेकिन मैं जाता हूँ थोड़ा सा आगे, रिस्की है लेकिन चलना पड़ेगा भाई, नहीं जा सकता ये देखो भाई यहाँ से क्रेक हो गया पूरा, देख रहे हो कभी भी टूट सकता है भाई, मुझे लॉ के पीछे अपनी जिंदगी नहीं गंवानी भाई, ना भाई मेरे को नहीं जाना आगे, बस यहीं से देखो कितना सारा दरिया आ रहा है भाई, पानी वो वहाँ होता था लेकिन आज इतना ज्यादा आगे आगे बारिश की वजह से, पता क्या बारिश की वजह से तभी पानी पड़ गया ज्यादा। यहाँ पर हमारे भाई मिल गए साकिर भाई, तो ये पोगल से, तो जाके भाई को सपोर्ट करो। आपका चैनल का नाम क्या भाई? चैनल का नाम क्या है? तो पर्सनल व्लॉग है भाई, को जाके सब्सक्राइब करो, जो भी देख रहा है भाई को सपोर्ट करो। ओके तो यहाँ पर इसका निकलो यहाँ से, ठीक है अभी मैं चलता हूँ यहाँ से सीधा बाल कटवाने, एंड भाई मेरे को यहाँ से डर ही लग रहा है, मैं निकलता हूँ। देखो क्या रहा है मोटा व्लॉग में ना। हेलो गाइस, हमने तेरे खाई इस पे आड़ू, देख रहे भाई निकालते निकालते हमारे पैर ही थक गए, इसमें सामान लोग निकल के सारे हैं, ओए इधर से निकाल ही दे मुझे सारे घर में, यहाँ से लोग हैं ना भाई वो देखो कहाँ पर पड़े हुए आ रहे, बहुत पानी आ रहा है भाई, गाइस आधों को घर भी नहीं मिला, उधर से उधर से अभी मैं वो जगह पे था, देख रहा हूँ अगर वो घेरता ना खत्म, तो देख रहा था भाई मुझे क्या, अगर से मुझे दिखा मुझे लगा छोटा ऐसे नज़दीक ही थोड़ा ही है वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर भाई अरे भाई देखो घर सारा पानी घर में आ गया, यहाँ से जितने सारे लोग हैं देखो भाई कंपनियों वालों को अपनी पड़ी हुई सामान की, देख रहे हो लोग बेचारे यहाँ सारे खचल हो रहे हैं और ये अपने सामान उठा के निकारे साइड कर रहे हैं। यहाँ पर पहले ना गोवा करता था वो सारा डब डूब गया, देख रहे हो भाई यहाँ से सारे घर, ये देखो भाई हालत क्या होगी घरों की, और जो यहाँ के सारे लोग हैं वो सारे ऊपर चढ़ गए, देखो वो देखो भाई यहाँ से पूरा पानी, अब अगर और बढ़ा ये तो उड़ जाएगा और इस साइड भी आ जाएगा फिर, लेकिन मुश्किल है यार इधर दीवार है ना, और अगर ज़्यादा आएगा वो तो ये भी उड़ सकता है, वो देखो भाई कैसे लोग यहाँ से हाँ तो बोलता मुझे टेंशन ही नहीं, मैं एक गाड़ी में गाड़ी लेके निकल जाऊँगा, अर्ची रोड पे करो उस साइड है, नहीं तुम्हें नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से काफ़ी सारी चीज़ें ना बोरे की और खोलना है अभी पानी इनने भाई, अगर इससे ज़्यादा और खोलेंगे फिर तो भाई तुम देख रहे हो, फिर ये देखो भाई लोगों का सामान सामान। तो जी दोस्तों अभी हम आ चुके हैं बाजार से, और मैंने बाल वगैरह तो काटे नहीं, सिर्फ मेरी थोड़ी सी दाढ़ी छोड़ी गई क्योंकि लेट हो गया था, मैंने सोचा जी आज बाल वगैरह नहीं काटते सिर्फ दाढ़ी काटते, तो अभी हम रेडी हो चुके हैं एंड रेडी होके निकल पड़े हैं घर से, और ये रहे जी मम्मा एंड डैडी, और गेट को करते हैं लॉक। अभी जी हमने ऑटो वगैरह मंगाया है क्योंकि घर में गाड़ी तो है नहीं, जावर भाई ये जम्मू में ही है वो आए नहीं, तो ऑटो वगैरह मंगाया है, तो ऑटो का वेट करेंगे, ऑटो आएगा तब तक वेट करते, फिर ऑटो में ही चलना है हमको सीधा सीटी, ठीक है ना, उन्हीं के इंतजार में वो डैडी जी इंतजार ऑटो का वेट कर रहे हैं, ऑटो आता है जल्दी जल्दी फिर चलते भाई, और मौसम इस टाइम ठंडा ठंडा, हमारे घर के सामने रुके हुए आई के बस आ चुके हैं ऑटो वाले भैया, चलो जी हियर इज द ऑटो, ये जी डैडी आ गए, मम्मी जी मैं जी सब चलते हैं पहले बाजार, वहाँ से फ्रूट वगैरह उठाने, उसके बाद ही निकलते हैं सीधे। अभी जी यहाँ से फ्रूट वगैरह उठा रहे हैं घर वाले मम्मा एंड डैडी, और फिर निकलते हैं सी सीधी। तो जी दोस्तों अभी हम ऑटो में उतर गए, यहाँ पे उतर गए, देख रहे हो यहाँ से आगे रोड बंद है, यहाँ से कोई भी गाड़ी नहीं जाने दे रहे, तो इसकी वजह से क्या है कि अब हमको वहाँ से ऑटो पकड़ना पड़ेगा आगे से एक और, तो जो ऑटो हमारा था वो वहीं पर रुक गया क्योंकि इसके आगे रोड बंद है, पूरा हालत पूरी ख़राब हो गई रोडों की भाई, हर जगह से रोड निकल गया, और उधर देखो पानी कितना है, क्या बात है, अब आगे पैदल जा रहे भाई किस्मत ही ख़राब। ये जो सस्ते सस्ते रोड बनाए ना लोगों ने, ये एक दिन में निकल जाते हैं, एक दिन में बनाते हैं दूसरे दिन निकल जाते हैं, बाय 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 देख रहे हो कितना ज्यादा रोड निकल गया यहाँ से, कितना ज्यादा रिस्की है, देखो हो रही जी गाड़ी मारुति इसमें जी आ रहे हैं लेने हमें, क्या बात है भाई लोग अभी पहुंच गए हैं सेरी, और जी चलते हैं अंदर, और ये हमारा जिसने हमें लेने आया उमर भाई, चलो
और ये रही जी आगे भाभी जी का भी फेस हम नहीं दिखाएंगे आपको, बस चलेंगे जो लेने आई थी हमें आगे तक। मैं थोड़ा काम ही शूट करूंगा और थोड़ा ध्यान से शूट करना पड़ेगा, थोड़ा बंदा ना शाही फील करता है तो उसकी वजह से। शेरी की गलियां और यहाँ पर टेंट की जगह ही बनाती है एडवांस में इन्होंने, क्या बात है। हमारे आते ही यहाँ पर मेहमान नवाजी, देख रहे हो हमारी क्या हो रही है। हाय हाय हाय, देख रहे हो खातेदारी तो ठीक है लेकिन इतना बड़ा चिकन का पीस कौन देता है भाई, ज़रा बताओ। यहाँ पर जो शादी की डेट की बात चल रही है और मैं पता नहीं क्यों इतना नर्वस हो रहा था, देख रहे हो। कि हाँ भाई वो महीना है तो दिन उस दिन आके बंदा दो दिन या दस दिन ले लेता है। और यहाँ पर एक छोटा सा मेहमान दिखा हुआ जो बहुत ही प्यारा था, मन करा था उसको वहीं पर खा लूं लेकिन थोड़ा सा सोच रहा था कि आसपास लोग हैं नहीं तो उसको वहीं पर पकड़ के ना खा जाता मैं, इतना प्यारा था एक बच्चा, अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल किया। अब आती है बारी लास्ट में जो हमने भाभी जान के लिए गिफ्ट लाया था जो ईद के लिए, तो ये रहा वो सूट जो अभी ये सबको दिखा रही है। तो इनको तो बहुत पसंद आया एंड बाकियों को भी काफ़ी पसंद आया एंड मुझे भी अच्छा लगा था, तभी मैंने भी ये चूज़ किया था एंड घर वालों ने भी चूज़ किया था। तो आप बताना यूट्यूब फैमिली आपको कैसा लगे वाला तोहफा जो हमने अपनी न्यू भाभी को दिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अभी हो चुकी है हमारी कुछ खाना पीना भोजन सब कुछ हो चुका है और मैं आपको बाद में बताता हूँ। यहाँ पर अभी वैसे आप कितने एक्साइटेड हो, बताओ बताओ बताओ। नहीं बोल रहा मैं तो, मुझे लगता था अर्षित भाई एक्साइटेड है, मैंने बोलता ना आपको एक्साइटेड, ये भी बहुत ज़्यादा है। वैसे डेट फिक्स भी हो, मतलब डेट फिक्स नहीं होगी, ये है कि मंथ पता चलेगा किस मंथ में होगी, ये नहीं पता कि कौन सी डेट, बट ये है कि हाँ डेट फिक्स होगी, महीना फिक्स हो गया। ये किसके लिए वैसे ले रहे हो? ये अर्षित के लिए। अर्षित के लिए, अर्षित की, ओके अर्षित भाई के लिए ये, लेकिन मेरे लिए कुछ भी नहीं, मेरे सिर्फ चाय शाय पिलाई बस। रुखसती ले रहे हैं जी, अभी हम आ चुके हैं वहाँ से, अर्षित भाई के वहाँ से आ चुके हैं और हमने जी वहाँ पर क्या क्या किया, एक तो हमने वो जो लाया था वो दे दिया और जी डेट फिक्स का वो तो अभी नहीं हुई, ये हुई कि पता चल गया कि किस महीने शादी है क्या है। तो शादी की जो डेट है मतलब शादी का जो महीना है वो है जी सितंबर है, तो सितंबर में कौन सी डेट है तो वो डेट एग्जैक्ट नहीं पता है, बट ये है कि सितंबर में ही शादी होगी। तो अभी जून जुलाई चल रहा है, उसके बाद अगस्त आएगा, मतलब दो महीने बाद ही होने वाली, ठीक है ना। तो दो महीने के बाद ही बाकी चीज़ें हम आपको शादी की दिखाएंगे, बस अभी के लिए इतना ही था कि हाँ डेट फिक्स हो चुकी है सितंबर में और ये भी हो चुका है कि 10 या 20 डेट जो है ना मतलब सितंबर की उसके बीच में शायद हो सकता है, तो अभी कंफर्म नहीं पूरा, ठीक है ना। तो जी दोस्तों घर आ चुके हैं, तो अब इस व्लॉग को करते हैं हम यहीं पर ही समाप्त। अगर आपको व्लॉग किसी भी चीज से पसंद आया हो, किसी भी रीजन से पसंद आए तो एक प्यारा सा लाइक कर देना एंड चैनल पे जो भी नया है जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना एंड इंशाल्लाह एक या दो महीने के बाद शादी के व्लॉग्स भी आपको दिखेंगे। तब तक प्यार बनाए रखो एंड दुआ करना और कांग्रेचुलेशन अर्षित भाई को करना और हमारी भाभी जान को करना जो हमारी नेक्स्ट भाभी है, कमेंट जरूर कर देना नीचे, ठीक है ना। मिलते आपसे, अल्लाह हाफिज, देखने के लिए शुक्रिया एंड फी अमानिल्लाह, बाय बाय।